खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां शासकीय महाविद्यालय पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावक ने बिना रसीद पैसे लेने का आरोप लगाया है। मामला पटना नगर पंचायत के स्थित जवाहर प्रसाद उपाध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय का है, जहां आरोप पर महाविद्यालय प्रबंधन ने सफाई दी है। आपको बता दें कि इस महाविद्यालय के प्राचार्य शिव शंकर रजवाड़े ने जब इस आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पुस्तक क्रय करने के लिए संबंधित विषय के विद्यार्थियों से प्रत्येक विद्यार्थियों से 500 रुपए लिए गए। उन्होंने कहा कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि यह नियम में है या नहीं है। पूर्व में जो भी प्राचार्य इस महाविद्यालय में रहे हैं उनके द्वारा ऐसे ही विद्यार्थियों से पैसा लेकर पुस्तक क्रय किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बात की जानकारी ले लूंगा कि ये नियमानुसार सही है या नहीं, अगर सही नहीं होगा तो विद्यार्थियों का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। एमए की कक्षाओं में विभागीय पुस्तकालय के लिए ये 500 रुपये जो है दिए जा रहे हैं, और उनकी पुस्तकें अलग से आती हैं और उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, उसके लिए दिया जा रहा है, क्योंकि पुस्तकों की यहाँ पर कमी भी है और एमए की कक्षाओं में सिलेबस के हिसाब से कुछ बाहर की भी पुस्तकों की जरूरत पड़ती है। ये किनके आदेश से लिया जा रहा है? पहले जो है हमारे यहाँ एमए की कक्षाएं तो बाद में शुरू हुई, तो जो हमारे वरिष्ठ जो महाविद्यालय हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई। पहले तो हमको पता नहीं था, लेकिन जब पता चला कि विभागीय लाइब्रेरी के लिए मतलब इस प्रकार का होता है तो हम